हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। अभी जो आप देखने जा रहे हैं मेरा एक लाइव क्लास है जो जूम के थ्रू हम वन टू वन लेते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं जिसमें गरिमा जी मेरे साथ ज्वाइन किए हैं और इनकी एडवांस एक्सेल की क्लासेस शुरू हो रही है जिसमें हम बेसिक टू एडवांस डिस्कस करेंगे। तो आप भी इसी तरह से मेरी वीडियो को एनालाइज कीजिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लास तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, या फिर आपको चाहिए सारे रिकॉर्डेड सीक्वेंस में तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। तो गरिमा जी चलिए शुरू करते हैं और इसमें हम आपके साथ बात कर रहे हैं पेस्ट स्पेशल्स की। तो हमने लास्ट क्लासेस में कॉपी पेस्ट कराना, वैल्यू पेस्ट कराना और ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया। अब इससे आगे जो कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में हम आपको एक आधे से पौने घंटे की एक रिकॉर्डिंग देंगे देखने के लिए। उसमें कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं कि जो कि थोड़ा सा लेंदी होते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग हम पहले दिखाते हैं उसके बाद समझाते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किप ब्लैंक की। जैसे कि हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है, अब मुझे इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में सामने कुछ नंबर्स करेक्ट किया गया है। इस तरह से ऐसे मान लीजिए 1000 डेटाबेसिस में है आप, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो नंबर है इसमें से जिसके सामने ब्लैंक है वो नंबर करेक्ट है, जिसके सामने वैल्यू है वो हमारा गलत है, तो मुझे करेक्ट करना है। अगर पूरे कॉलम लेके आप पेस्ट करते हैं तो क्या होगा कि फिर वो आपकी ब्लैंक भी पेस्ट हो जा रहा है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे अपडेट करना है कि जिसके सामने वैल्यू लिखी है सिर्फ वही पेस्ट हो, ब्लैंक वाला एरिया पेस्ट ना हो जिससे मेरा डेटा एडिट ना हो। तो उस केस में हम लोग इसको कॉपी करते हैं और इसके ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक किया हमने, ओके कर दिया। अब देखिए इसमें जो है वैल्यू आपको दिख रही है ना, इसमें स्किप ब्लैंक हो चुका है, इसमें जो वैल्यू है उसको पेस्ट नहीं किया गया। क्लियर है? मतलब आपने बी वाला कॉलम ए में पेस्ट किया? जी हाँ। तो ए में जो पेस्ट हुआ है तो वही वैल्यू पेस्ट हुआ है जिसकी जिसमें वैल्यू था, जो ब्लैंक था वो पेस्ट नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी। अगर नॉर्मल कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका जो है वैल्यू भी पेस्ट हो जाता है, ब्लैंक भी पेस्ट हो जाता है, बट इसमें ब्लैंक है, इसमें वैल्यू पेस्ट हुआ है। ठीक है, हाँ जी। अब बात करते हैं, अब ट्रांसपोज तो पता ही होगा आपको, ट्रांसपोज क्या करता है। तो उसके बाद ट्रांसपोज के बाद हम बात करते हैं पेस्ट एज ए लिंक। मान लीजिए कि एक सेल वैल्यू, एक सेल एरिया है, उस सेल एरिया को दूसरे सेल एरिया से मुझे ये करना है, लिंक करना है। एक सेल एरिया को दूसरे सेल एरिया से लिंक करना है। जैसे मान लीजिए ये बीच में बोल रही मैं, ये जैसे आपने इतना एरिया सेलेक्ट किया ना, अब मेरे साथ होता क्या है, जैसे आपने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया ना, तो सिर्फ पहले वाले सेल में ही आता है, बाकी में ड्रैग अपने आप नहीं होता है। तो उसके लिए क्या शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना होता है क्या? हाँ, एंटर कर दीजिए ना आप, जैसे आप जैसे आप एक एरिया सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, देन कंट्रोल एंटर मार दीजिए। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं, सिर्फ कंट्रोल एंटर, ठीक है। सिलेक्शन मेथड में समझाया होगा मैंने आपको। हाँ जी। अब इसमें जैसे कि आपके सामने डेटा है, अब मुझे इस डेटा को लिंक करना है दूसरी जगह कि मैं यहाँ भी लिखूँ तो यहाँ भी आ जाए। तो उसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि लोग इक्वल प्लेस करते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसको ड्रैग कर लीजिए तो ये आपका लिंक हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 54 को मैं यहाँ पे 45 कर दिया, तो एंटर मारते हो 45 हो गया। ये सेम सीट में है, इस तरह से आप अनोदर शीट अनोदर फाइल पे आप कर सकते हैं। आपकी बात नहीं आ रही सर। हाँ, तो यहाँ जो है अब लिंक समझ गया। अब इस लिंक की प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें पूरा नहीं लेना होता है,
तो पूरा नहीं होता लेना होता है, तो उस केस में क्या होता है कि वापस मुझे डिलीट करने होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि उतना ही एरिया सिलेक्ट करता हूँ जितना एरिया हमें पेस्ट करना है कंट्रोल की मदद से, जो कॉपी किया और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट ना करके हम यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए लिंक करते हैं, समझे? जैसे कि मुझे, जैसे आपने इसको लिया, अगर आपने नॉर्मली अगर इक्वल लगा के ड्रैग करते हैं तो क्या होता है कि आपको पूरा हो जाता है, सीक्वेंस में आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ पार्ट नहीं चाहिए होता, जैसे मान लीजिए मुझे इसमें मार्च नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, हमने अप्रैल को सिलेक्ट किया, कॉपी, और फिर इसके ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे पेस्ट में हमने क्या कर दिया, पेस्ट एज ए लिंक, दिख रहा है? तो अब देखिए नेम, हाँ, पेस्ट एज ए लिंक, लिंक सबसे लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो पेस्ट एज ए लिंक कर दिया तो क्या हो गया, आप देख सकते हैं कि इसमें सब कुछ पेस्ट हुआ, लेकिन हमारा मार्च पेस्ट नहीं हुआ। तो पेस्ट एज ए लिंक का इस्तेमाल हम सेम सीट अनदर फाइल पे करते हैं, ठीक है? ये एक शीट से दूसरी शीट पे जा सकता है ना? ठीक है, देखते हैं। देखिए अनदर शीट पे आ गया। अब मैं सीट वन पे कुछ भी चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे 74 करता हूँ, देखिए यहाँ भी 74 हो गया और यहाँ भी 74, किसी अनदर फाइल पे सब पे कर सकते। लेकिन ध्यान रखिएगा ये फॉर्मेटिंग लेके नहीं आता है, अगर ये फॉर्मेटेड है, इसको कलर वगैरह लगा हुआ है, तो ये सिर्फ ओनली फॉर डेटा आएगा, फॉर्मेट नहीं है। फॉर्मेट लाना है तो फिर वापस कॉपी पेस्ट कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए फॉर्मेट, तो फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? पहले तो यही नहीं हो रहा, जैसे आपने वो अभी कॉपी किया था ना कि ये नेम से लेके फेब तक कॉपी किया, फिर अप्रैल गया, तो अगर मैं कॉपी करती हूँ तो जैसे जनवरी फेब तक तो हो गया, लेकिन उसी के साथ साथ अप्रैल कैसे होगा? नहीं, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट किया ना, जितना एरिया सिलेक्ट करोगे कॉपी कर, कंट्रोल सिलेक्ट करके हम मल्टीपल को करते हैं ना, ठीक है? मैम ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, सुनिए मैम, स्क्रीन को देखिए, हमने एरिया सिलेक्ट किया, अब मुझे इस बार मैं अप्रैल सिलेक्ट करना है, मार्च सिलेक्ट नहीं करना है, तो मैं अपने कंट्रोल की को प्रेस करूँगा और अप्रैल को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है? समझ गए? फिर इसको कॉपी करो, मतलब देख रहे हैं ना मार्च कॉपी है, अब इस पे मैं पेस्ट, हाँ अब मैं इस पे पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए लिंक करूंगा, समझे? हाँ जी। आप समझ आया आपको कि नहीं? चलिए आगे बढ़े। अब इसमें बात करते हैं हम,
हमें क्या होता है कि कभी कभी इसको पिक्चर्स में कन्वर्ट करना होता है, हमें तो कभी कभी पिक्चर्स में कन्वर्ट करना होता है। इसको कॉपी किया और यहाँ हम करते हैं, यहाँ पे पेस्ट इज ए पिक्चर्स, यहाँ पे फिर पेस्ट स्पेशल पे नहीं जाएंगे, जो पेस्ट वाला पार्ट है उसके लिए इसे ड्रैग करेंगे और यहाँ अदर पेस्ट ऑप्शन ये आ करके रहा आता ना। हाँ जी, इसमें लिंक था, लिंक यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आपके सामने आता है पेस्ट इज ए पिक्चर्स, पिक्चर्स कन्वर्ट होने के बाद इसको हम अपने हिसाब से बड़ा या छोटा या उससे भी छोटा बना सकते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम है कि ये आपके डेटाबेस से लिंक नहीं होगा, इससे ये लिंक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने 74,000 की जगह पे आपने 70 कर दिया तो आपका ये 70 चेंज नहीं होगा क्योंकि पिक्चर है, इससे कोई आपस पे लिंक नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इसको, हम अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और भी छोटा कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, समझे। लेकिन सेम फीचर चाहिए विथ लिंक, सेम फीचर विथ लिंक, तो क्या करेंगे इसके लिए, हम इसको कॉपी करेंगे। इसमें जो अगला ऑप्शन होता है हमारा वो होता है पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। अब इसमें क्या होता है कि जस्ट इसको कितना बड़ा, सारे फीचर्स वही है, लेकिन इसमें है कि अगर मैं 70 की जगह पे मैंने कर दिया 60, एंटर मारते यहाँ 60 हो गया, लिंक हो गया ना। हाँ, अगर मैं कोई कलर भी चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैं इसको कलर चेंज कर दिया तो यहाँ भी कलर चेंज हो जाएगा। ओके, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि मान लीजिए नीरज की जगह पे मैं यहाँ पे उदय कर दिया और यहाँ पे नंबर्स दे दिए, तो अब क्या होगा, वो नहीं आएगा क्योंकि एरिया उतना ही सिलेक्टेड था ना नीरज। तो क्या मैं दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, रीजन यहाँ पे आता है, क्या दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो देखिए ऊपर हर एक ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होता है फॉर्मूले के साथ लिंक होता है। तो अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे लिंक है E8, हम 8 को डिलीट करके 9 कर देते हैं। हाँ जी, समझ में आया ना मैम इसको कि नहीं आपको। अब आता है एक्सेल टू एक्सेल, अब इस क्या एक्सेल टू एक्सेल होता है, मतलब इसमें क्या है कि शीट टू शीट, फाइल टू फाइल भी कर सकते हैं। और इसको जो है आप जैसे कि अपने का वर्ड ओपन कर रखा है तो आप वर्ड में भी लिंक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ वर्ड में कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ गया और यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ इसको हमने कर दिया पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे पेस्ट इज ए लिंक और यहाँ हमने एक्सेल फॉर्मेट ले लिया एंड ओके कर दिया, ठीक है। अगर अब यहाँ पे कुछ चेंज होता है, जैसे मान लीजिए कलर चेंज कर लिया अब यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ भी चेंज हो गया। कभी कभी चेंज नहीं होता है किसी कारण से, तो उस केस में हम राइट क्लिक करके अपडेट लिंक कर देते हैं। क्या पावर पॉइंट में भी किया जा सकता है?
जी हाँ पावर पॉइंट भी किया जा सकता है। थोड़ा स्लो चल रहा हूँ मैम, ठीक है ना, ताकि मुझे लग रहा है कि आप अपने सिस्टम पे कर रहे हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप अपना आप सिस्टम पे कब जूम को देख रहे हैं, कब अपना अपना पीसी देख रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चलता हूँ ताकि आप टाइम ले लें। अब मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट खोला हुआ, जैसे वर्ड में पेस्ट किया था ऐसे आप पावर पॉइंट पे भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे कॉपी करना पड़ेगा पहले, यहाँ पेस्ट स्पेशल, पेस्ट लिंक है ना, तो यहाँ भी इसको ड्रैग कर सकते हैं, हाँ इसको अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, पेस्ट ऐसे पिक्चर लिंक हुआ ना, जी हाँ पेस्ट ए पिक्चर लिंक, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप एक्सेल पे आ जाएंगे, जो आपने खुला हुआ है तो आपको आइडिया नहीं कि कौन से फाइल से लिंक है, तो दो चीज़ें, एक है कि आप यहाँ पे जो आप यहाँ पे लिंक वर्कबुक वर्कशीट ओपन करेंगे ना, एडिट ओपन कन्वर्ट, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या दूसरा इस पे डबल क्लिक करेंगे तो वापस एक्सेल फाइल पे आ जाएंगे। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि जैसे मैं यहाँ पे पेज स्पेशल कर दिया और अपडेट लिंक करना है तो सब तो फाइल ओपन ही करना चाहिए ना, नहीं 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 देखने से पहले नहीं, आप जैसे कि नहीं समझे हैं, ये लिंक हमने ये इसका लिंक का यूज कब होता है बाद में बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ना कि आप एक मान लीजिए कि आप एक ऑफर लेटर तैयार कर रहे हैं, ठीक है जी, ऑफर लेटर में क्या है कि बाकी सब कुछ सेम है, बस जो पे कैलकुलेशन है सबका अलग अलग है, तो पे कैलकुलेशन वाला जो टेबल है वो हमेशा आप एक्सेल से कॉपी करके पेस्ट करते हैं जी, आपने एक्सेल सीट पे बना रखा है कि आप उसका इनरोलमेंट नंबर डालोगे और उसका पे कैलकुलेशन ऑटोमेटिक डिविजिबल हो जाएगा, तो बार बार कॉपी पेस्ट करने के बजाय आप उसको पेस्ट से लिंक कर दें, इधर एक्सेल को चेंज करेंगे वहाँ अपने आप चेंज हो जाएगा, समझ गया ना, आपको बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं। या फिर मान लीजिए ना आपने पावर पॉइंट में स्लाइड बनाया हुआ है और स्लाइड के अंदर एक स्लैब कैलकुलेशन है, एक मतलब एक समरी है, या फिर एक समझ लो ना कि एक एक टोटल है, एक फिगर है, अब उस फिगर को आपको स्लाइड आपके पास 25 स्लाइड है, 15 स्लाइड पर आपको दिखाना है, तो 15 स्लाइड में वन टाइप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, अब अगले मंथ का रिपोर्ट तैयार करना है तो अगेन आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, उसके अगले मंथ अगर वीकली है तो डेली, हर वीक करना पड़ेगा, डेली है तो हर दिन करना पड़ जाएगा 15 बार कॉपी पेस्ट, लेकिन पेस्ट है जो लिंक कर दिया तो आप एक बार एक्सेल को सेंड करो, आपके 15 शीट्स पे जाके हो 15 जो स्लाइड्स हैं उसमें अपने आप चेंज हो जाएगा, समझ गए। हाँ तो अपडेट करने के लिए एक्सेल फाइल तो ओपन करना ही पड़ेगा ना आपको, हाँ एक्सेल फाइल जब तक वो ऐसे आपने एक्सेल फाइल में जाके चेंज कर दिया तो आप जब वर्ड या पावर पॉइंट खोलोगे तो उसमें चेंज मिलेगा आपको, अगर चेंज ना मिला, कभी कभी होता है सिस्टम लिंक नहीं बना पाता है, अगर चेंज नहीं मिला तब क्या करना है, तब आपको राइट क्लिक करके अपडेट लिंक करना है, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं, ऐसे आप आउटलुक के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें अगला ऑप्शन जो होता है उसके बारे में जानते हैं, आउटलुक के साथ कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं, ठीक है, आउटलुक मेरा ओपन हो रहा है, वेट कीजिए ओपन हो रहा है, मैं आउटलुक का फिगर नहीं था, ओपन हो रहा है, होता रहेगा। अब इसमें एक छोटी मोटी चीज़ से फॉर्मेट पेंटर, पता है फॉर्मेट क्या करता है, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर है, जब मैं इसको पेंट करके कहीं भी पेंट करूँगा तो सेम चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, देखिए ठीक है,
गया। लेकिन मुझे कई सारे जगहों पे करना है तो बार बार मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। तो जब मैं इस पे डबल क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा? जी हाँ, जहां भी क्लिक करोगे वहां पे होगा, हटेगा नहीं। कब हटेगा? जब डबल क्लिक करोगे या फिर वापस सिंगल क्लिक करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्लिप बोर्ड की। ये भी बहुत अच्छा काम चीज है, इसके लिए मुझे एक डेटाबेस तैयार करना होगा। नाम अपने आप ही आ गए थे या आपने कुछ? हाँ, मैंने मैंने सेट कर रखा है, कस्टम इसमें कस्टम लिस्ट मैंने सेट कर रखा है, एक्सेल ऑप्शन के अंदर में होता है। वो कैसे? एक्सेल ऑप्शन के अंदर में होता है, फाइल मेनू बार के ऑप्शंस, और उसमें एडवांस में जाइएगा, एडिट कस्टम लिस्ट। हाँ, मैं शॉर्टिंग के समय पढ़ाऊंगा आपको, जिंदा मत करिए। अब मैंने इस सीट को लिया और कॉपी कर लिया, कई सारे सीट कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ देखिए और देखिए, अब मुझे सारे सीट कॉपी कर लिया, हर सीट पे डेटा अलग अलग है, लेकिन वो रैन बिटवीन लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मैं रैन बिटवीन सबका हटा दूँ, सबको पेस्ट एज ए लिंक कर दूँ, पेस्ट एज ए सॉरी पेस्ट एज ए वैल्यू वैल्यू। लेकिन वन बाय वन सीट नहीं, सारे सीट इकट्ठा, तो शिफ्ट के साथ हम लास्ट वाले सीट को सिलेक्ट करेंगे। पूरा सीट सिलेक्ट हो गया, मैं फर्स्ट फर्स्ट वाले पे आ जाइए, शिफ्ट के साथ लास्ट वाले पे क्लिक कीजिए, या लास्ट वाले पे आ जाइए, शिफ्ट के साथ लास्ट वाले पे क्लिक कीजिए, कोई एक करना आप। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। तो इसको हम यहाँ से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू करते हैं। तो जब सारा शीट सिलेक्टेड है तो एक चीज बताइए, जैसे अब हम नहीं, एक बार में सारा हो गया। देखिए, हाँ मैं वही पूछती हूँ यहाँ पे, जैसे अब शीट वन से लेकर हमने सारे टैब सेलेक्ट करके रखे हैं और उसके बाद हम ये डेटा सेलेक्ट करने जाएंगे तो नीचे शीट वाला तो अनसेलेक्ट नहीं हो जाएगा? नहीं अनसेलेक्ट होगा। वो कैसे? नहीं होगा, सेल्स तो ही सेलेक्ट है। ठीक है, क्लियर है? एक सेकंड रुको, मैं भी कर दूँगा। ये शीट वाले टैब पे जाके दूसरा वाला टैब कैसे सेलेक्ट करना है? पांच मिनट दीजिए, स्टार्ट करो प्लीज। क्या बोल रहे हैं? कह रही हूँ ये शीट वन वाले टैब पे आई मैं, दूसरा टैब कैसे सेलेक्ट करने के लिए बताया आपने? शिफ्ट शिफ्ट को क्लिक करके लास्ट वाले टैब पे क्लिक कीजिए। टैब सेलेक्ट नहीं हो रहा मेरे, सेल सेलेक्ट हो रही है। अब शिफ्ट पे क्लिक कीजिए ना, शिफ्ट पे, शिफ्ट के से इसका शिफ्ट के सॉरी सीट के नेम पे। देखिए यहाँ देखिए, नेक्स्ट चीज़ में देखिए, मैंने यहाँ इस पर क्लिक किया सीट वन पे, अपने कीबोर्ड का शिफ्ट प्रेस किया, लास्ट वाले सीट के नेम पे क्लिक किया।
ठीक है, ओके हो गया। हाँ जी, हो गया हो गया। तो एक बार में हो गया। तो मैं ये बता रहा था आपको कि सबको डेटा मुझे यहाँ सबसे लास्ट वाले शीट पे यहाँ पे डेटा पे पेस्ट करना है। तो एक एक करके कॉपी पेस्ट करेंगे। उससे अच्छा है कि क्लिपबोर्ड को ऑन कर दें, शीट वन में जाएं, इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए, कॉपी करें। आपको सिर्फ अब कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, स्लिक सिर्फ कॉपी करते जाना है वन बाई वन सारे शीट्स को। ठीक है, सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, कॉपी। तो 24 तक कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद डेटा पे आइए, सिलेक्ट कीजिए जहाँ से पेस्ट करना है एंड पेस्ट ऑल कर दीजिए। सारा ऑटोमेटिक एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट कॉपी 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 करते चला जाना है। क्लियर है? ओके, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैं आपको जो है आज एक वीडियो भेज रहा हूँ जो कि अगली क्लास का है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप इसको देख लें, उसके बाद उस फीचर को करें।